नमस्कार, ये तस्वीरें देख रहे हैं पटियाला से। इस गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं दलेर मेहंदी। दलेर मेहंदी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जी हाँ, कोर्ट में आज उनकी अपील डाली हुई थी, उसकी सुनवाई थी। वे अपने बाउंसरों के साथ पहुंचते हैं, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। वे अपने बाउंसरों के साथ वहाँ कोर्ट के अंदर पहुँचते हैं। HS गरेवाल की कोर्ट में आज अपील की सुनवाई थी। हालांकि आपको बता दूँ, मैं निधि सैनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पटियाला ने 2018 के अंदर उन्हें सजा सुना दी थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो दलेर मेहंदी हैं अपने जो बाउंसरों के साथ कोर्ट में पेश होने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो HS गरेवाल की कोर्ट में आज अपील डाली हुई थी उसे खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद जो पटियाला पुलिस है दलेर मेहंदी को हिरासत में ले लेती है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो मेडिकल है वो एक निजी अस्पताल में वहां पर करवाया जा रहा है। उसके बाद जो दलेर मेहंदी को जो पटियाला जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, मानव तस्करी के करते 2 साल की सजा सुनाई हुई थी और लगभग 20 साल बाद जो सजा है वो जो भुगतनी अब पड़ेगी। 20 साल के बाद जो आज यहां पर कंप्लेंटेंट है वो भी बताते हुए नजर आए कि हमारे से पैसे लिए थे अमेरिका भेजने के नाम पर, ना हमें अमेरिका भेजा और ना ही हमारे पैसे लुटाए। और पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पटियाला कोर्ट ने मानव तस्करी के मामले में 2 साल की सजा को बरकरार रखने का फैसला किया है। दलेर मेहंदी और उसके भाई शमशेर सिंह जो गैर कानूनी रूप से लोगों को विदेश भेजा करते थे, और मामला 2003 का है, केस का फैसला 15 साल बाद हुआ। दलेर मेहंदी को मानव तस्करी के 2 साल की सजा सुनाई है, उसके भाई शमशेर सिंह को भी सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ दोनों को जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में दलेर मेहंदी व उनके भाई के खिलाफ कुल 31 केस दर्ज किए गए थे। पहला केस 2003 में जो दर्ज हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर लोग अमेरिका ही भेजे गए थे, तो अमेरिका जाने के नाम पर लोगों को जो रुपए ठगे गए थे वो रुपए ही ना वापस दिए गए थे, ना उन्हें जो है पैसे मिले, ना उन्हें विदेश भेजा गया। उसके बाद आज देख सकते हैं, फिलहाल तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे जो पटियाला पुलिस है वो दलेर मेहंदी को हिरासत में लेती हुई, जी हाँ, गिरफ्तार कर लिया गया। जो कंप्लेंटेंट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कंप्लेंटेंट से भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ वह कहना चाहेंगे। ये वह कंप्लेंटेंट है जिन्होंने जो केस है वो इनका जो 31 केस में से एक इनकी भी जो कंप्लेंट है वो दर्ज हुई हुई है। जी हाँ, क्या कुछ ये कहना चाहेंगे, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वीर जी, की नाम है तुहाडा? बख्शीश सिंह जी। बख्शीश सिंह जी, की मामला सी, पूरी डिटेल दस दो एक बार। मामला सी जी, इन्हें 2003 दे विच इन्हें खराब पर्चा लेके गया सी जी। इन्हें सानू बाहर भेजने पैसे ले सी जी, ते ना ते इन्हें बाहर भेजने ना पैसे दिते सी। ते उस तो बाद ये केस चलता रहा जी। 2018 विच जाके जी निधि सैनी दी कोर्ट ने मार्च विच फैसला दिता सी कि 2 साल की सज़ा हुई सी, कुछ जुर्माना आया सी जी, ते इन्हां दी मौके ते बेल हो गई सी। इन्होंने उस फैसले के खिलाफ अपील पाई सी, जो अज HS गरेवाल साहब ने अपील खारिज कर दी। ते हुण दलेर मेहंदी नूं किते अरेस्ट कर लैणगे कि कर लिया गया? अरेस्ट तां कर लिया जी, कस्टडी ते लै लिया सी। अच्छा जी, ते हुण सज़ा 2 साल की बरकरार रहेगी? जी, तो हुण अपील खारिज हुई ते सज़ा बरकरार रहेगी जी। जी, ते तुसीं संतुष्ट हो इस फैसले तों? हां जी, खुश हां। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਸੀਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕੋਈ? ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 2023 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗੇ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, एडवोकेट भी यहां पर मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ उन्होंने जमानत लेने की भी आज कोशिश की वो भी खारिज की गई। गुरप्रीत सिंह, तुसी इन एडवोकेट जी। सर, आज जिहड़ा कबूतरबाजी दा केस सीगा 2003 की फैसला है सर? आज इन्होंने मानयोग निधि सैनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पटियाला जिहड़े सी उन्होंने 2018 दे विच 2 साल कैद की सजा सुनाई सी इन्हां नूं, किन्हां नूं? दलेर मेहंदी नूं। और उस फैसले दे खिलाफ इन्होंने अपील पाई सी, अज उस अपील दा फैसला होया। और मानयोग श्री HS गरेवाल साहब दी अदालत वालों ये अपील डिसमिस कीती गई है और दलेर मेहंदी नूं कस्टडी च लै लिया जी। सर, इस तो पहले होर भी कुछ इन्होंने वालों याचिका पाई हुई सी जी?
ਹੋਰ ਯਾਚਕਾ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੇਕ ਚਰਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਚਕਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਹੋਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸਰ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਠੀਕ ਹੈ